जय हिंद। आज का टॉपिक है अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। फ्रेंड, कंपैशन अपॉइंटमेंट आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, यानी राज्य की नीति निर्देशकता के अंतर्गत यह राज्य का दायित्व होता है कि राज्य अपने सब्जेक्ट अपने नागरिकों का एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि उपयुक्त खान पान, रहने का, कपड़े पहनने का यानी रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करे। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत एक दायित्व बनता है, क्योंकि राज्य यहाँ बता दें आपको कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, उन तीनों को राज्य के दायरे में लाया गया है और राज्य का यह दायित्व है कि अपने नागरिकों का उपयुक्त यानी एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का इंतजाम करे, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान आता है। गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत यानी लाभकारी कल्याणकारी स्कीम के अंतर्गत ही कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का प्रावधान बनाया गया है। लेकिन एक बात बता दें कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, ये तभी देती है जब उनके डिपार्टमेंट में वो स्कीम हो या पॉलिसी हो जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया हो कि अगर किसी स्टाफ का जॉब के दौरान यानी ड्यूटी के दौरान देहांत हो जाता है तो उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाएगी। ऐसा पॉलिसी या स्कीम उस डिपार्टमेंट में होना जरूरी है, तभी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को लागू किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बता दें कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का मतलब यहाँ पर यह आया है, एक डाइंग इन हार्नेस वर्ड आता है यानी कि टू डाई ऑन वंस ड्यूटी, यानी ये कंपैशन अपॉइंटमेंट का दूसरा नाम जो है उसको कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट अंडर डाइंग इन हार्नेस, यानी जब कोई व्यक्ति जॉब के दौरान देहांत हो जाता है और उनके परिवार की फाइनेंशियल स्टेटस, याद रखिएगा कि वित्तीय जो कंडीशन है या उनकी हार्डशिप उस व्यक्ति के जाने देहांत होने की वजह से अगर आ गई है समस्या, तो राज्य का दायित्व होता है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को ऐसी सहायता करें जिससे कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सके और वो इस वित्तीय जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, और इसीलिए कंपैशन अपॉइंटमेंट अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा कि अनुकंपा नियुक्ति तभी दी जाती है जब मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्य या उनके परिवार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो यानी हार्डशिप हो, कोई तकलीफ हो और वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तभी ये प्रावधान एप्लीकेबल होगा। अगर ये पता चलता है कि उनके सदस्य के फाइनेंशियल स्टेटस यानी फाइनेंशियल कंडीशन वित्तीय स्थिति काफ़ी अच्छी है तो फिर ये अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति जो होता है ये कोई सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, ये नौकरी पाने का जरिया नहीं है और ना ही एक वेस्टेड राइट है। वेस्टेड राइट मतलब यहाँ पर है कि कोई फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन यानी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिजीज्ड फैमिली यानी मृतक के परिवार का वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस लाभकारी योजना का इम्प्लीकेशन या इसकी एप्लीकेबिलिटी निर्धारित की जाती है। और रिसेंटली अपेक्स कोर्ट ने यही सब पॉइंट अभी समराइज किया हुआ है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्या क्या ग्राउंड देखा जाएगा जिसके बाद ही किसी अग्रिम व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत सारे व्यक्तियों को उन पोस्ट पे अप्लाई करने से मना किया जाता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन होता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंतर्गत ये प्रावधान होता है कि हर व्यक्ति को बराबर का मौका मिले, लेकिन इस कंपैशन अपॉइंटमेंट में सिर्फ एक पर्टिकुलर परिवार के सदस्य को ही मौका दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता है। और ये इसलिए है क्योंकि सरकार एक स्टेट जो होती है बीइंग अ वेलफेयर स्टेट एक कल्याणकारी राज्य होते हैं और इसलिए अपने नागरिकों का कल्याण करने के लिए ये स्कीम लाती है। स्कीम होगा तभी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखें तो कंपैशन अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ लेट डाउन किया हुआ है कि ये कोई वेस्टेड राइट नहीं है, ना ही ये कोई रिक्रूटमेंट पाने
का एक जरिया है, ठीक है फ्रेंड। और साथ में इन्होंने ये जोड़ा है कि जब हम किसी परिवार अग्रिड फैमिली के मेंबर का ये आकलन करेंगे तो उनके आकलन के दौरान या डिटर्मिनेशन के दौरान ये पाया जाएगा और ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि उस परिवार के सदस्य की फाइनेंशियल स्टेटस यानी इनकम, उनके लेंथ यानी डेथ, उनके एज मेंबर्स जो सदस्य उनकी एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है और वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब के आधार पे ही कंपेंसेट अपॉन का प्रावधान को लागू की जाएगी। अगर वित्तीय स्थिति या अदर कंडीशन ठीक ठाक है तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने अपेक्स कोर्ट में ये लॉ लेट डाउन भी किया हुआ है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसको ये दायित्व था कि जब कोई क्लेमेंट उनके पास आए तो उस एप्लीकेशन को जितनी जल्दी हो वो उसका निपटारा करते हैं, क्योंकि कंपेंसेट अपॉइंटमेंट जो है एक ये इमिडिएट प्रोसीडिंग है, यानी कि ये तुरंता या तुरंत इस पे इसका एप्लीकेशन होना चाहिए, तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा कंपेंसेट अपॉइंटमेंट का जो उद्देश्य है, लाभकारी योजना का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा अगर अननेसेसरी डिले होता है। तो याद रखिएगा कि जो क्लेमेंट है उनके पे भी एक लायबिलिटी दी गई है कि जैसे ही उनके किसी परिवार के सदस्य जो गवर्नमेंट जॉब में है उनका अगर देहांत होता है तो उन देहांत से मृतक होने से 30 डेज के अंदर 30 दिन के अंदर वो अपना क्लेम एप्लीकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट मूव कर दे। 30 दिन मिनिमम समय है, मैक्सिमम 5 साल तक, यानी कि 30 डेज से 5 साल के अंदर अगर एप्लीकेशन नहीं की जाती है तो फिर उन अग्रीव्ड मेंबर को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये माना गया है कि जो अनुकंपा नियुक्ति है ये कोई वेस्टेड राइट नहीं है और ये हमेशा के लिए खुला नहीं रहता है। ये एक टाइम पीरियड बाउंड किया गया है कि आप 30 दिन से लेकर के 5 साल के अंदर आप जो क्लेमेंट है उनको एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। अगर उन्होंने मूव नहीं किया तो ये माना जाएगा कि उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन डिपेंड करता है, इसलिए ये नियुक्ति एक समय तक खुला रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब क्लेमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन मूव करता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी हो सके उन क्लेमेंट को निपटारा करवा दें, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो फिर जो लाभकारी योजना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए 3 चीज खास देखी गई है कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट में। पहला ये है कि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डिसीज्ड मेंबर्स का क्या है, ये देखी जाएगी। दूसरी, इसकी अर्जेंसी कितनी है। और तीसरी, कि अगर कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट का एप्लीकेशन मूव किया जाता है तो क्या उस कंसर्न डिपार्टमेंट में ऐसा कोई पॉलिसी और स्कीम है या नहीं। अगर है तभी ये कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट का एप्लीकेशन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से देखें फ्रेंड कि कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉ लेट डाउन कर रखा हुआ है जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है फ्रेंड। दैट्स इट, अगले वीडियो पे नए टॉपिक के साथ आप सब प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।